हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पे है गाइज हमारे पास S10 लाइट। अब ये बॉक्स के साथ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने परचेस किया सेकंड में S10 लाइट, वो भी 8 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाला। और ये कहाँ से परचेस किया है उसकी भी पूरी डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले ही आप बॉक्स देख लीजिए। बॉक्स आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलेगा जो फ़ोन के साथ आता है, और ये यही फ़ोन का बॉक्स है। ये भी मैंने IMEI नंबर से चेक कर लिया। अब आपको दिखाता हूँ ये डिवाइस। बॉक्स के अंदर डिवाइस के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है गाइस, तो आप कुछ भी और उम्मीद मत रखना कि आपको फ़ोन के साथ कुछ मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डिवाइस, और यहाँ पे इसका QR कोड है। ये कैसीफाई से परचेस किया हुआ डिवाइस है, और ये 8 GB रैम 512 GB वाला स्टोरेज है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका कि क्या ये 8 GB और 512 GB ही है कि नहीं, वो भी आप चेकआउट कर लेते हैं। क्योंकि मुझे चाहिए था एक स्टोरेज के साथ अच्छा कैमरा। अच्छा कैमरा हमें सैमसंग की S सीरीज़ या तो फिर नॉट सीरीज़ में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने परचेस किया सैमसंग की S सीरीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 512 GB का ये वेरिएंट है, और यहाँ पे 8 GB का रैम है। अभी आपको क्वालिटी के बारे में बता दूँ, क्वालिटी अभी तक मैंने इसका स्टिकर निकाला नहीं है। यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो वहीं पे बैक साइड पे हम 60 FPS पे 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और फ्रंट साइड पे हम चेकआउट करेंगे ना, तो अल्ट्रा HD में 30 FPS पे, मतलब कि हमें 4K में 30 FPS पे वीडियो शूट करना मिल जाता है फ्रंट की बात करें। और बैक में हमें अल्ट्रा HD में 60 FPS पे, मतलब 4K में 60 FPS पे वीडियो शूट होना मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो S10 लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, प्लस 48 MP का कैमरा है, और एक ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक डेप्थ कैमरा। आगे 32 MP का कैमरा है जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है हमें। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, और ये 4G डिवाइस है, 5G नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस मिल जा रहा है। यहाँ पे जो वीडियो शूट हो रहा है वो सैमसंग गैलेक्सी S23 से हो रहा है, और इसकी क्वालिटी भी आप कमेंट करके बताइए कि कैसी है। अभी नेक्स्ट एक दो वीडियो जो आएंगे वो सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की मोबाइल से आएंगे, तो वहाँ पे भी आपको कमेंट करके बताना है कि ये डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे टाइप सी वाला पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल माइक है, और आगे हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, ये पावर ऑन का बटन है। वहीं पे साइड पे 2 SIM कार्ड हम लगा सकते हैं, या तो फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। बैक पैनल हमें कांच का मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। S10 लाइट भी हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है गाइस, तो ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। और हमें बात करते हैं बॉडी की, तो यहाँ पे बॉडी फुल्ली मेटालिक मिल जाती है, इसकी वजह से बॉडी का जो फ़ोन का जो वेट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, एक प्रीमियम फील देता है। और ये जो फिटिंग है इसकी, जो स्नैपनेस है बोल सकते हैं, स्लाइडिंग इतनी थिकनेस, मतलब ऐसी बहुत ही कम फ़ोन में देखने को मिलते हैं। बाकी बहुत सारे फ़ोन में तो क्या है, मतलब मोटा मोटा मिलता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा साइज़ है, कॉम्पैक्ट साइज़ बोल सकते हैं। अभी तक मैंने इसके ऊपर ग्लास भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे यही यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है इसकी वजह से। बाकी गाइस आपके हिसाब से ये सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट कैसा डिवाइस है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मैंने परचेस किया है सेकंड हैंड 15,000 रुपये में। या ध्यान रखिए कि सेकंड हैंड प्राइस इसका अगर अच्छी कंडीशन में रहा तो आप 15,000 तक परचेस कर सकते हो 512 GB रैम वाला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोस डालता रहता हूँ।